बल्लभगढ़ की घटना के बाद हरियाणा के गोहाना में एक नाबालिग की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। सोनीपत जिले के गोहाना में देवीनगर के रहने वाले 14 साल के गोविंद का शव उसके घर से फंदे से लटका हुआ मिला। नाबालिग के घर वालों ने पुलिस पर हत्या का इल्जाम लगाते हुए शव को गोहाना बरोदा रोड पर रेलवे ट्रैक पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की खबर पाकर जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। गोविंद के घर वालों के मुताबिक चोरी के झूठे केस में पुलिस उसे बुधवार को पकड़कर ले गई थी। गोविंद के भाई के मुताबिक कल सुबह जब वो थाने में उसका खाना लेकर गए तो उनका भाई वहां नहीं मिला। पुलिस वालों ने बताया कि गोविंद पुलिस कस्टडी से भाग गया है। बाद में गोविंद का शव उसी के घर पर बाहर वाले कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। उसके शरीर पर चोट के भी निशान थे। गोविंद के घर वालों ने पुलिस पर उसके कत्ल का इल्जाम लगाया है। प्रशासन ने मार के घेरा है जी। हमने तो प्रशासन को सौंप दिया था, हम किसको जिम्मेवार माने, उसी को माने। हरियाणा के फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में दो दलित बच्चों को जलाकर मारने की वारदात से भड़का गुस्सा अब शांत हो गया है। एहतियात के तौर पर गांव में अब भी सीआरपीएफ की टीम तैनात है। इस बीच उस कमरे को सील कर दिया गया है जिसमें आग लगी थी। कल राज्य की फॉरेंसिक टीम ने मौके का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक 5 से 7 दिनों में मामले की रिपोर्ट आ जाएगी। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव की वारदात को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल खट्टर गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिले और घटना को राजनीतिक या जातीय रंग न देने की अपील की। खट्टर ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के विवादास्पद बयान पर एनडीए के घटकों में घमासान छिड़ गया है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दलित परिवार के बच्चे निर्ममता से जला दिए गए और वीके सिंह ने कुत्ते से उसकी तुलना क्यों कर दी। फिर बीजेपी ने क्यों इंदू मिल में इतने दिखावे के बाद अम्बेडकर मेमोरियल के लिए भूमि पूजन किया। दलित कुटुंब जाणल्यानंतर रस्त्यावरच्या कुत्र्याला दगड आणि दलित, रस्त्यावरचा कुत्रा आणि दलित हे तुम्ही बरोबरी करता, मग कशाला इकडे ते इंदू मिलचं भूमिपूजन केलं थाटामाटात। बिहार में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीताराम बाजी ने वीके सिंह के बयान को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है। गया के महकार में मांझी ने कहा कि इसके लिए वीके सिंह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से कार्रवाई करने की मांग भी की। वीके सिंह के बयान के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में शिकायत कर सकती है। गौरतलब है कि वीके सिंह ने बल्लभगढ़ की घटना के संदर्भ में कहा था कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मामले के तूल पकड़ने के बाद सिंह ने मीडिया पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। बीजेपी के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्तों पर चुप्पी तोड़ते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने गो हत्या से लेकर महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि वो राज्य में गठबंधन की सरकार से हटने वाले नहीं है। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जा सकते हो तो फिर आपको शिवसेना की भी सुननी चाहिए। अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। शिवसेना ने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से रखते हुए कहा कि अगर हिंदू खत्म हो जाएंगे तो देश में क्या बचेगा। अपना घोषणा देना बर है, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। रामाने रावणाला हिंदुस्थानात नाही मारला तर लंकेत घुसून रावणाचा मुर्दा पाडला, हे जर रामायण आपल्याला माहिती नसेल तर जय राम जी की आणि मंदिर वही बनायगे या घोषणा नुसत्या पोकळ्यात त्याला काय अर्थ। दशहरा रैली में उद्धव ने कहा कि दालों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, ऐसे में बीजेपी को गाय पर नहीं महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। ठाकरे ने सुधिंदु कुलकर्णी पर कालिख पोतने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश का नाम स्याही फेंकने से खराब नहीं होता बल्कि दादरी जैसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। कसूरी वगैरह का प्रकरण है, काय बोलायचं त्याच्यावरती, कसूरी ते मोठे जाडजूड पुस्तक माझ्याकडे ते घेऊन आले ते कुलकर्णी, हे पुस्तक लिहिलं बरं का त्यांनी, म्हटलं मग काय करायचं घालायचं चुलीत नाही, पण त्याच्यात त्यांनी पाकिस्तानने सुद्धा काय चुका केल्या ते लिहिलेलं आहे।
म्हटलं केल्या असतील चुका, लिहिल्या असतील पाकिस्तानने काय केलं असेल ते. पण उद्या जर का समजा दाऊद आला आणि दाऊद ते पुस्तक घेऊन लिहून घेऊन आला की माझं 92-93 साठी चुकलंच, मी बॉम्बस्फोट करायला नको होते, काय चढवणार डोक्यावर तुम्ही? नाही पण तो चूक मान्य करतोय म्हणून काय घरात घेणार? फिल्म क्वीन, सिंग इज ब्लिंग जैसी फिल्मों के सुपरहिट गायक लव जंजुआ नहीं रहे. गायक जंजुआ की लाश मुंबई के गोरेगांव में उनके बेडरूम से मिली है. बताया जा रहा है कि बुधवार की रात जंजुआ की तबीयत खराब हुई थी. उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया. फिर वो रात में ही घर लौट आए, लेकिन गुरुवार सुबह 10 बजे उनके दोस्त ऋषि ने फोन किया तो जवाब नहीं आया. घर जाकर देखा तो गायक लव जंजुआ की लाश मिली. ठाणे में दशहरे की धूम से लोकल ट्रेन भी अछूत ही नहीं रही. यहां लोकल ट्रेन में दशहरा मनाया गया. श्रद्धालुओं ने ट्रेन में मालाएं बांधकर पूजा की. इस मौके पर लोगों ने प्लेटफॉर्म पर रंगोली भी बनाई. दिल्ली के मेहरौली में संदिग्ध हालात में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला है. शुरुआती जांच में पुलिस इसे कत्ल का केस मान रही है. प्रॉपर्टी डीलर मदन अरोरा दोस्त ट्रेवल एजेंट अनिल के घर पार्टी करने गए थे. उसी घर की चौथी मंजिल की छत पर मदन की लाश मिली. मदन के सिर पर चोट के निशान थे. पुलिस को रात करीब 11 बजे अनिल ने ही 100 नंबर पर कॉल कर बुलाया था. पुलिस के मुताबिक अनिल ने बताया कि पास में पटाखे चल रहे थे. उसे नहीं मालूम था कि मदन की मौत कैसे हुई. पूर्वी दिल्ली के मंडावली में एक घर से विवाहित महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. महिला का पति फरार है. मकान मालिक के मुताबिक 4 दिन पहले ही नरेंद्र कुमार नामक शख्स ने मकान को किराए पर लिया था. मकान मालिक के मुताबिक 20 तारीख को ही पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ था. उबर रेप केस के आरोपी शिव कुमार को आज सजा सुनाई जा सकती है. दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने मंगलवार को टैक्सी चालक शिव कुमार यादव को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने यादव को 25 वर्षीय एक महिला एग्जीक्यूटिव से रेप करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, उसका अपहरण करने और उसे धमकाने के अपराधों का दोषी ठहराया. वारदात पिछले 5 दिसंबर की है. विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों द्वारा पुरस्कार लौटाए जाने की घटना को लेकर आज साहित्य अकादमी कार्यकारिणी बोर्ड की आपात बैठक होगी. बैठक दिल्ली के श्रीराम सेंटर में होगी. बैठक के दौरान साहित्यकारों के एक धड़े ने दादरी जैसी घटनाओं और कलबुर्गी, दाभोलकर, पानसरे की हत्या पर साहित्य अकादमी की चुप्पी का विरोध करने का फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में आंध्र प्रदेश की राजधानी की आधारशिला रखी. कृष्णा नदी के तट पर बसे उदनद्रा यूनीपलिम गांव में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखी गई है. इस मौके पर सिंगापुर और जापान के मंत्रियों, 14 देशों के राजदूतों, केंद्रीय मंत्रियों, शीर्ष नेताओं, उद्योगपतियों समेत 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर अमरावती 21वीं सदी का सबसे हाईटेक शहर होगा. सूबे के 16,000 गांवों और देश भर के तमाम तीर्थों का पवित्र जल और मिट्टी का पूजन स्थल पर छिड़काव किया गया. अमरावती का मास्टर प्लान आधुनिक सिंगापुर की तर्ज पर सिंगापुर सरकार की ओर से तैयार किया गया है. प्रतीक इस बात का संदेश लेकर के आया है, ये सिंबल में वो ताकत है, वो विश्वास देता है कि आंध्र के विकास की यात्रा में दिल्ली कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगा, हर समय साथ रहेगा. कर्नाटक में गौरक्षा अभियान चलाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्या के एक आरोपी मोहम्मद शरीफ थोडर की तस्वीर कर्नाटक के मत्स्य पालन मंत्री अभय चंद्र जैन के साथ सामने आई है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद प्रशांत पुजारी की बहन प्रमिता ने कहा कि अगर आरोपी के पहुंच मंत्री तक है तो फिर हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच कैसे होगी. दिल्ली से सटे गुड़गांव के सुशांत लोक इलाके में 4 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है. इस मामले में 17 साल के किशोर को गिरफ्तार किया गया है. मेरठ दक्षिण सीट के बीजेपी विधायक रविंद्र भड़ाना के बेटे मनीष भड़ाना और उसके साथी दुष्यंत पर लगा है एक युवक को गोली मारने का आरोप. बताया जा रहा है कि विधायक के घर के करीब रिलायंस 4G नेटवर्क के लिए काम चल रहा था. विधायक पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया था. इस मुद्दे पर 4G लगाने की पैरवी कर रहे रॉबिन से विधायक के बेटे मनीष की कहा सुनी हो गई. इसी के बाद थाना मेडिकल क्षेत्र में एक मॉल के करीब गोली मारने की ये वारदात हुई. वहीं बीजेपी विधायक रविंद्र भड़ाना का कहना है कि राजनीतिक द्वेष से ये सब आरोप लगाए गए हैं. मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक वकील के घर को निशाना बनाया. वकील अर्चना मित्तल अपने बेटे के साथ माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गई थी. चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में रखे करोड़ों के माल पर हाथ साफ कर दिया. कल सुबह जब अर्चना लौटी तो चोरी का पता चला.
जोधपुर के सांगरिया क्षेत्र में एक मकान पर छापा मारकर खाद्य विभाग ने 1160 किलो कथित नकली मावा बरामद किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मावे पर दावा करने कोई सामने नहीं आया है। खाद्य विभाग के मुताबिक मावा बेहद घटिया है, शुरुआती जांच में ये नकली नजर आ रहा है। जिस मकान से मावा मिला है उसके मालिक का कहना है कि एक सप्ताह पूर्व ही एक मिठाई कारोबारी को उसने मकान किराए पर दिया था। जूनागढ़ के प्राचीन बागेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर के ट्रस्टी के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा के जेवरों की चोरी हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद जारी बयान में कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों पर सतत और लचीली वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की मांग कर रहा था। घोषणा पत्र में F-16 विमान खरीद का जिक्र न होने से भी पाकिस्तान को झटका लगा है। अमेरिका के साथ मिलकर भारत का दबाव रंग लाया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो लश्कर ए तैयबा और उसके सहयोगी संगठनों समेत संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित लोगों और संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर ये दबाव बनाया था कि 26/11 हमले में शामिल लश्कर और उसके सहयोगी आतंकवादी संगठन पर पाकिस्तान कार्रवाई करे।